मजदूरों की पिटाई का फर्जी वीडियो वायरल करने के आरोप में गिरफ्तार यूट्यूबर मनीष कश्यप की रिहाई की मांग को लेकर नोएडा में एक समर्थक देर शाम नोएडा के सेक्टर 93 में एक टावर के ऊपर चढ़ गया। वहां से मनीष कश्यप को छोड़ने की मांग करने लगा। युवक को टावर पर चढ़ते हुए देख लोगों का हुजूम इकट्ठा हो गया। युवक मनीष कश्यप रिहाई की मांग को लेकर नारेबाजी करने लगा और नीतीश कुमार मुर्दाबाद के नारे लगाने लगा। इधर सूचना मिलते ही पुलिस आला अधिकारी और फायर ब्रिगेड की टीमें मौके पर पहुंच गई और संयुक्त अभियान चलाकर उसे समझा बुझाकर नीचे उतारा गया। इधर पुलिस युवक का मेडिकल करवा रही है, साथ ही आगे की कार्रवाई में जुट गई है। अभी यहां पे लगभग 2 घंटे पहले हम सबको सूचना मिली थी कि 93 के पास एक बिजली का टावर है, लगभग 11,000 वोल्ट की वहाँ से लाइन गई थी। तत्काल सूचना पे जो हमारी अग्निशमन की टीम थी और हम सब लोग यहाँ पे पहुँचे और जो बिजली थी उसको तत्काल कटवाया गया और लगभग 2 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद हाइड्रोलिक मशीन का यूज करके उसको उतरवाया गया है। उसका नाम करण ठाकुर है और किस कारण से अभी वो ऊपर चढ़ा है उसकी अभी हम सब लोग जांच कर रहे हैं और आफ्टर जांच हम सबको जो भी होगा।